Kadok News. जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में इन दिनों पीटीआई टीचर बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, हर किसी मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, अलग अलग ढंग से सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते पीटीआई भर्ती में बड़ी कार्रवाई की गई है। एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन पर केस दर्ज कर दिया गया है। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उड्डा सरकार में तत्कालीन चेयरमैन व सदस्यों के खिलाफ पीटीआई भर्ती घोटाले की आशंका के चलते विजिलेंस ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन नंदलाल पुनिया सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर को 2005 में नियुक्ति दी गई थी। इनके कार्यकाल में पीटीआई भर्तियों को लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। इस जांच के लपटे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी पहुंच सकती है। पीटीआई घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद हुड्डा के लिए कानूनी परेशानियां और बढ़ सकती है। डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने पंचकुला में धारा 466, 468, 471, 193, 166 व 120 बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला ने विज्ञापन संख्या 6 दिनांक 20 जुलाई 2006 को 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। चयन के लिए 28 दिसंबर 2006 को चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार कुल 200 अंक के लिखित परीक्षा व 25 अंक के साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना था। परंतु इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन मापदंडों में बार बार परिवर्तन किया है। एफआईआर में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 30 जून 2008, 11 जुलाई 2008 व 31 जुलाई 2008 को मनमाने तरीके से चयन मापदंडों में फेरबदल किया, जिन पर आयोग ने किसी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। 31 जुलाई 2008 के निर्णय के संबंध में चयन आयोग के कार्यालय टिप्पणी लेखन में दिनांक 11 जुलाई 2008 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के विरुद्ध मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया गया। दिनांक 31 जुलाई 2008 के निर्णय द्वारा आयोग के अध्यक्ष के सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के हेतु बुलाने का निर्णय लिया, जिसे स्पष्ट कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी दबाव में आकर बार बार चयन में दंडों में बदलाव किया गया। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में आ सकते हैं? क्या इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी इनके लपटें आएगी? बने रहे हमारे चैनल के साथ।